नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपकी वास्तुगुरु मान्या। आज मैं आपको अमावस्या पे कुछ ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से उपाय के बारे में बताऊंगी। अमावस्या को विशेष तिथि माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किए गए उपाय टोटके विशेष ही शुभ लाभ देते हैं और जीवन में आ रही समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए अमावस्या पर ये उपाय अवश्य आजमाने चाहिए। घर में हर अमावस्या पर अथवा हर 15 दिन के बाद पानी में नमक यानी कि करीब 1 लीटर पानी में 50 ग्राम खड़ा नमक डालकर पोछा लगाएं। इससे नेगेटिव एनर्जी जो भी होगी आपके घर में वह दूर हो जाएगी। खड़ा नमक के साथ जो है इसके स्थान पर आप जो है गौजरण अर्क भी जो है उसमें डाल सकते हैं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन जो वृक्ष लता आदि को काटता है अथवा उनको उनका एक पत्ता भी तोड़ता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। इस दिन काली चींटियों को शक्कर मिलाकर उसके अंदर साथ में आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का जो क्षय है वह कम होगा और पुण्य कर्म आपके जो है उदय होने शुरू हो जाएंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में जो है सहायक होंगे। आपको 100% जितनी भी मनोकामना होंगी वो सारी पूरी हो जाएंगी। अमावस्या के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। ये उपाय करने से आपके जीवन में आ रही कोई भी परेशानी है उसका अंत हो जाएगा। अमावस्या की तिथि प्रमुख रूप से पितरों को समर्पित होती है, तो इस दिन पितरों के नियमित आप दान पुण्य जरूर कर सकते हैं। सुबह ही कुछ भोजन बनाकर आप मंदिर में दान कर सकते हैं। आप किसी पंडित को बुलाकर उसको भोजन करा सकते हैं। अमावस्या को पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए और पेड़ को जनेऊ और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। उसकी 7 परिक्रमा आप पेड़ की कर लें। अगर आपकी कुंडली में कालसर्प योग है तो इस दिन आप किसी पंडित को बुलाकर घेर जो है एक घर में ही जो है ना अपने शिव पूजन या फिर उनका कोई छोटा सा हवन करवा लें। बेरोजगार जो व्यक्ति हैं अगर उनको अमावस्या की रात ये उपाय करेंगे तो उनको निश्चित ही उसे रोजगार जरूर मिल जाएगा। अगर कोई भी नौकरी चाहते हैं तो उसके लिए एक नींबू को साफ करके उसको पहले आपने साफ करना है, उसे सुबह ही अपने घर के मंदिर में रख लें। फिर रात के समय इसे 7 बार बेरोजगार व्यक्ति के सिर से उतार लें और 4 बराबर भागों में इसको काट दें। फिर एक चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में इसको फेंक दें। इस उपाय से बेरोजगार व्यक्ति को लाभ की संभावना 100% बन जाती है। आइए जानेंगे अमावस्या पे कुछ ऐसे खास उपाय कि जिससे आपके 100% जो ये उपाय करके आपको रिजल्ट आए। क्या आप धन में वृद्धि करना चाहते हैं? तो आप अमावस्या की शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएंगे। बत्ती में रुई के स्थान पर आप लाल रंग के धागे को उपयोग करेंगे। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। यह महालक्ष्मी का जो है को प्रसन्न करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है। यह उपाय अगर आप अमावस्या वाले दिन करते हैं तो महालक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपके घर में धन भी बरसेगा। अमावस्या वाली रात को 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए बहती हुई नदी में या फिर पानी में उसमें छोड़ दें। इस उपाय से इसको भी करने से आपको घर में जो है धन लाभ होगा और जो है उसी के योग आपके बनेंगे। क्या आपके दुश्मन आपका पीछा नहीं छोड़ रहे? तो अमावस्या की रात को अगर आपके काले कलर के कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी हिलाते हैं तो कुत्ता उसी समय रोटी खा लेता है, तो आपके दुश्मन उसी समय शांत होना शुरू हो जाएंगे। यह उपाय करके देखिए, यह आजमाया हुआ उपाय है और इससे आपको 100% रिजल्ट आएंगे। मैं वासुगुरु मान्या आपके सामने दोबारा हाजिर होंगी एक नए उपाय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।